हेलो स्टूडेंट्स। सो यार आपका ट्वीट पे क्या विचार है? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही थी व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में कि भैया जो है हमारे जो जेई के एग्जाम है वो सिर्फ 2 अटेम्प्ट में ही अभी होने वाले हैं, जिसके कारण जो एटलीस्ट अप्रैल और मई में हो रहा है हमारे एग्जाम है अभी। सो आप जो है इसको ट्वीट कराइए और ट्रेंड पे लाइए ट्वीट को, और हमारे एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। ये स्टूडेंट्स के आपके मन में बहुत ज्यादा उठ रहा होगा सवाल। आज इसी का खंडन करते हैं, इसी का सॉल्यूशन करते हैं यार। अगर हम पर डे अगर 20 मिलियन भी अगर ट्वीट करा दें तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है ऐसा मुझे लगता है। पहले हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, इतनी जल्दी एग्जाम क्यों कराई जा रही है। यार जैसे कि अगर अपन बात करें हमारी क्लासों की, तो जनरली जो क्लासें स्टार्ट होनी चाहिए आईआईटी की, तो वो अगस्त में हो जानी चाहिए। वैसे तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जानी चाहिए, लेकिन हम वैसे अगस्त में मान के चल रहे हैं कि अगस्त में हो जानी चाहिए। लेकिन अगर अपन रियलिटी की अगर अपन बात करें तो क्लासें जो स्टार्ट हो रही है, जिस अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके अंदर आने वाले पिछले 2020-21 के अंदर जो क्लासेस स्टार्ट हुई है यार, वो जनवरी में स्टार्ट हुई है। अब आप सोच के देखो एक बार, कहाँ जुलाई है और कहाँ जनवरी है, यानी कि एक सेमेस्टर निकल गया ना बीच में, एक सेमेस्टर एकदम बर्बाद हो गया। अभी अभी एक कौन सा सिस्टम चल रहा है पता है? बच्चों को ओनली फॉर 90 दिन दिए जाते हैं, 90 डेज ओनली फॉर। उसी के अंदर पता नहीं गवर्नमेंट की कितनी छुट्टियां आ जाती है, कभी गांधी जयंती आ गई, कभी तिलक जयंती आ गई, कभी सरदार पटेल का पुतला मनाएंगे, कभी क्या करेंगे, कभी मोदी जी का बर्थडे आ जाएगा, कभी राष्ट्रपति जयंती आ जाएगी, फलाना फलाना फलाना, पता नहीं कितनी सारी जयंतियां आती है। यार एटलीस्ट आप लोगों को भी समझना चाहिए कि 40 सब्जेक्ट होते हैं हमारे इंजीनियरिंग के अंदर, 40 सब्जेक्ट आपको पास करने होते हैं, और 90 दिन एक सेमेस्टर के लिए दिया जा रहा है अभी। आप सोच लो 90 दिन के अंदर क्या ही हो सकता है। इस प्रकार को सिनेरियो को देखते हुए जो भी टीम है उसने डिसाइड किया है कि यार ये थोड़ा टाइम कंजस्टेड नहीं है, इसको थोड़ा सही किया जाए, ठीक ढंग से मैनेज किया जाए। तो इस प्रकार से उनका जो मेन मोटिव है वो है कि क्लासें एटलीस्ट लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर कम से कम सितंबर में तो स्टार्ट की जानी ही चाहिए, किसी भी हाल में की जानी चाहिए। जनरली अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजों की, तो यार प्राइवेट कॉलेजों वाले जुलाई के अंदर बच्चों की क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। जुलाई में क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। हमारे जो आईआईटीज है एनआईटीज है उनकी एडमिशन प्रोसेस लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक खत्म होता है। फिर बच्चे कॉलेज में पहुंचते हैं, उनकी फ्रेशर्स पार्टी होती है, एटलीस्ट आधा महीना उसमें बीत जाता है। अब यार ये सवाल वो नहीं है कि एटलीस्ट जो क्लासें एटलीस्ट हमारी जो सबसे ज्यादा सेमेस्टर में प्रॉब्लम आ रही है वो तो ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे ट्विटर का कि अगर हम ट्वीट करते हैं तो क्या हमें कोई सॉल्यूशन दिया जाएगा? आपको क्या लगता है यार, वैसे मिलना तो चाहिए कि अगर हम बहुत ज्यादा अगर ट्वीट करें तो हो सकता है हमारी सुन ली जाए, और हो सकता है आपके एग्जाम जो है अगस्त में करा दी भी जाए। ये भी हो भी सकता है, ठीक है, ना भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके हो जाए, आपकी बात मान ले अगर आप बहुत ज्यादा तादाद में अगर ट्वीट करते हैं तो। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको एक जो हमारी जो जर्नी रही है ट्विटर की वो आपको बता देते हैं। या 2020 में जो कोविड आया था, 2020 में हमने जो एग्जाम्स दिए थे जेई मेन के, हमारे पेरेंट्स बिल्कुल भी एग्री नहीं थे इसके रिगार्डिंग कि भैया तुमको ऑलमोस्ट बच्चों को भेजा भी नहीं दी गया एग्जाम के लिए। और जो इतने ज्यादा ट्वीट किए ना हमने, हमारे निशांत पोखरियाल सर थे उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर, तो हमने बहुत ज्यादा ट्वीट किए, हजारों मतलब मिलियंस में ट्वीट गए, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। एकदम फुल कोविड सिचुएशन के अंदर, एकदम फुल कोविड सिचुएशन में हमारा एग्जाम लिया गया जेई मेन का। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने एटलीस्ट जो ट्विटर पे जो ट्वीट है 3 मिलियन प्लस कर दिए गए थे। 3 से 4 दिन तक ट्रेंडिंग के अंदर चला गया जेई मेन का इश्यू, सारा मीडिया सारा समाज सारा देश सवाल उठा रहा था कि भैया जो है कोविड है, कोविड है, बच्चों को कैसे भेजें, कैसे भेजें, नहीं भेजें, बहुत सारे पेरेंट्स ने भेजा भी नहीं। इसी कारण जो है 2020 वाले बच्चों को, आप सभी को पता होगा, इस बार मौका भी दिया जा रहा है जेई एडवांस के अंदर कि आप जेई एडवांस की एग्जाम दे सकते हो। 2020 वाले बच्चे भी 12th पास आउट जिन्होंने 2020 में किया था, हमने इतने ज्यादा ट्वीट किए लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। हमारे एग्जाम लिए गए जेई मेन के 2020 में, एटलीस्ट जुलाई या फिर सितंबर का टाइम था शायद।
फिर उस साल से अगर मैं बात करूँ ना, तो 2020 में भी एडमिशन दिसंबर में ही क्लोज हुए थे और जनवरी में एटलीस्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पर 2021 में भी वही सिचुएशन रही है। अब जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि एटलीस्ट जो है अगस्त या फिर सितंबर में अगर अपन जो एग्जाम कराएं अगर जेईई एडवांस का, तो फिर भी प्रोसेस वहीं पे जाएगा, क्योंकि 1 महीना तो मिनिमम लगेगा ना जोसा काउंसलिंग का। ओके, देन फिर जो है 1 महीना जो एटलीस्ट सीएसएबी में भी लग जाता है। ओके, सो तकरीबन 1.5 महीने तो काउंसलिंग काउंसलिंग में चले जाते हैं। ओके बच्चे पार्टी, अब अपन यार बात करते हैं। वैसे हम ट्वीट करेंगे, ठीक है, हम पूरे सपोर्ट में तुम्हारे। अगर हम तुम्हारे सपोर्ट में नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा। ओके, तो हम जो है मैं अभी ट्वीट कर देता हूँ, और इसके अंदर जो है हम एजुकेशन मिनिस्टर को भी टैग करेंगे और पीएमओ को भी टैग करेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके, और जो 12th वाला बोर्ड का इश्यू भी खूब चल रहा है अभी, और आई थिंक फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी कल इसके रिगार्डिंग, सॉरी मंडे को, कि एटलीस्ट जो है इस पर क्या सोल्यूशन किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नाराज है, मुंबई में कितने ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में कितने ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं इसके रिगार्डिंग। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यार इसके अंदर नुकसान तो आप ही का होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि ट्विटर का इंडिया में क्या हाल होने वाला है हमारा। लेकिन हम ट्राई करेंगे, फुल ट्राई करेंगे, 100% ट्राई करेंगे। ओके, और हम आपके साथ हैं, ठीक है, हमें किसी का से दुश्मनी लेके कोई फायदा नहीं है। ओके, हम तुम्हारे साथ रहेंगे 100%। आप कहोगे कि जो तुम अगर बराक ओबामा को टैग करो तो उसको भी कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो यार जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं टैप कर दूंगा जो भी हमारा ट्वीट है, तो आप उसको रीट्वीट करिए। ओके, और ट्रेंडिंग पे लाइए जेई मेन के इस पोस्टपोनमेंट को। ओके, और आई थिंक अगर आप ज्यादा से ज्यादा करते हैं ट्रेंडिंग पे, तो इसको जो है कंसिडर भी किया जा सकता है। मीडिया सवाल उठाएगी तो एटलीस्ट जो है इसका आपको रिजोल्यूशन मिलना भी चाहिए। ओके, आई फुली सपोर्ट यू, बिकॉज यार एटलीस्ट अप्रैल में और मई में आपको एटलीस्ट 2 ही चांस मिल रहे हैं, और कम से कम 1 महीने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है बीच में। आपको भी पता होगा 13 से 14 दिन का टाइम भी नहीं मिलेगा कम से कम। ओके, सो आपकी जो है रैंक के भी बहुत ज्यादा इश्यू पड़ सकता है। आई रियली कंसिडर यू इश्यू, मैं आपकी जो भी परेशानी है वो मैं समझ सकता हूँ, तो हम ट्राई करेंगे। लेकिन यार इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं, वैसे तो इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे रीट्वीट से। हमने तो जो है यहाँ पे मिनिस्टर्स को ये भी बोल दिया था, मतलब कैमरे के सामने इतना ज्यादा बोल दिया था कि इस बार तुम्हें वोट नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे, फिर भी पता नहीं उनको वोट से भी कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा। पता नहीं उनको लगता था कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, ये वोट नहीं दे पाएंगे। ओके, सो यार वो तो चले गए हमारे जो निशांत पोखरियाल सर थे। उन्होंने तो हमारे साथ बहुत गलत किया था। अब देखते हैं तुम्हारे ये क्या करते हैं तुम्हारे साथ। ओके, नए जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र सर, इनको हम टैग करेंगे, पीएमओ को टैग करेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग करेंगे, और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर रिट्वीट करिए। ओके, और ज्यादा से ज्यादा उसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करिए इसके रिगार्डिंग। ओके, और आई फुली सपोर्ट यू, ठीक है, और थैंक यू सो मच, खूब बढ़ते रहिए। और यार एटलीस्ट इसके अंदर ना आपको पेपर तो सोल्व करते रहना ही है। यार मेरा तो मेन क्वेश्चन यही है कि इसको सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए जो है जल्दी से जल्दी किया जा रहा है कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम बिल्कुल खराब ना हो, क्योंकि आपका एक सेमेस्टर जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 5 महीने होते हैं। 5 महीने में एक सेमेस्टर तो 3 महीने में खत्म हो जाता है आजकल, तो वो सारा इश्यू चल रहा था। ओके, थैंक यू सो मच।